8 अगस्त 1984 लॉस एंजलिस अमेरिका 400 मीटर का फाइनल। पांचवी लेन में खड़ी पीटी उषा के कंधों पर करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें टिकी हुई थी। 55 सेकेंड की इस रेस में पीटी उषा एथलेटिक्स का भारत का पहला मेडल पाने से 1 सेकेंड के 100वें भाग से चूक गईं। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है जैसे अगर कुछ एक्स्ट्रा कसरत करी होती, कुछ एक्स्ट्रा जिम जाते, कुछ एक्स्ट्रा मसल्स बनाई होती तो नचीदा कुछ और ही होता। लेकिन हमें लगता है कि यदि साउंड और उसके विज्ञान की बेहतर समझ होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के इस शुभ अवसर पर आज़ादी की पूर्व संध्या यानी रविवार 14 अगस्त को CBSE और सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर आपके सामने 30-30 एकलव्य प्रोग्राम लेकर प्रस्तुत होंगे। उस खोए हुए कांस्य पदक यानी द लॉस्ट ब्रॉन्ज को देखेंगे और कैसे साउंड की एप्लीकेशन और कंसेप्चुअल समझ हमें वो ब्रॉन्ज मेडल दिलवा देती। 30-30 एकलव्य का मकसद है विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाना, टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थिंकिंग की ओर प्रेरित करना और विषय की सैद्धांतिक समझ विकसित करना। इस सीरीज में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, बायोडाइवर्सिटी इत्यादि अन्य विषयों को बहुत ही रोचक तरीके से समझने और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़िए 4 से 5 हर रविवार, करेंगे पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने का प्रयास जोरदार। और आपको यह भी समझ आएगा कि टी और इस साधारण पाइप से जोड़कर ये भौंपू कैसे बना और उससे कैसे हम अपनी क्लास में कौतूहल या कोलाहल उत्पन्न कर सकते हैं। थैंक यू।